अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी स्वीट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम बनाएंगे बगैर गैस चलाए, इतनी टेस्टी कि खाने वाले बगैर तारीफ किए आपके घर से ना जाएं। आप इसे राखी पे बनाएं, दिवाली पे बनाएं, किसी भी फेस्टिवल पे बनाएं, ओकेशन पे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक जार लेना है, 10 से 12 पीस काजू लेना है, 10 से 12 पीस यहाँ पर बादाम लेना है, 3 चम्मच सूखा नारियल का पाउडर लेना है, 4 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर लेना है। कोई भी ब्रांड का यहाँ पर आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर ग्राइंड होके इसका एक पाउडर बन चुका है। किसी भी तरह का यहाँ पर आप क्रीम बिस्किट ले सकते हैं, और इसके क्रीम को हमें अलग कर लेना है। बिस्किट से हमें क्रीम को अलग कर लेना है, और इस एक बॉल में हमें रख लेना है, और बिस्किट को हमें अलग कर रखना है और क्रीम को अलग रखना है। तो सारे बिस्किट को हमें क्रीम से इसी तरह से अलग करके रख लेना है। बिस्किट से सभी क्रीम अलग हो गए हैं और बिस्किट जो हैं अलग हो गए हैं। पाउडर और काजू बादाम जो ग्राइंड किए थे, उसी में क्रीम को हमें यहाँ पे डाल देना है, और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है साथ में। तो ये ग्राइंड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब एक बर्तन में इसे निकाल देते हैं। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ कटे हुए बादाम हमें देना है, कुछ कटे हुए यहाँ पर काजू देना है। यहाँ पर मिठाई बना रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी मैं दे रही हूँ। ऐसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर घी दे रही हूँ, क्योंकि मिठाई है ना, तो घी देने से ना, देसी घी देने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब थोड़े थोड़े मिल्क देकर हमें इसको डो फॉर्म में रेडी कर लेना है। एक बार हमें मिल्क नहीं देना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हमारे डो बनकर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो आपने देखा ना, कितने आसानी से हमारे डो बनकर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब इस डो से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पे सारे बॉल्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें फिर से वही जार लेना है, और सारे बिस्किट को तोड़ तोड़ कर हमें इस जार में दे देना है, और देकर हमें फिर से ग्राइंड कर लेना है बिस्किट को। यहाँ पर बिस्किट ग्राइंड हो चुके हैं, इसका एक पाउडर बन चुका है, तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें सारे बिस्किट को ग्राइंड करके उनका एक पाउडर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा मिल्क देकर इसको डो के फॉर्म में रेडी कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें नारियल का पाउडर भी दे सकते हैं, इससे ना इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, पर मैं यहाँ पर नहीं दी हूँ, मैं इसी तरह बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। तो बस ये हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हमें छोटे छोटे पेड़े लेना है, और इस तरह से बॉल शेप में बना लेना है। अब हाथों से हल्का सा हमें गोल शेप देकर इसे प्रेस कर देना है। तो बस ये टिक्की की तरह हमारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस काजू बादाम के जो बॉल्स बनाए थे, इस बॉल्स के फिलिंग को हमें यहाँ पर बीच में दे देना है। घुमाते घुमाते इसे हमें कवर कर देना है। तो सभी पीसेस को इसी तरह से रेडी कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाते हैं। तो हमारी एक मिठाई बनकर इस तरह से रेडी है। यहाँ पे सारे मिठाई हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा सिल्वर का वर्क लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करना ना भूलें। हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर रेडी है सर्व करने के लिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।